अच्छा अब मैं जो है ना स्टार्ट ले रहा हूँ कीवर्ड रिसर्च के पहले टूल से, ठीक है? पहला टूल क्या था मुझे जरा बता दें, गूगल ट्रेंड्स। थैंक यू, लग गया। अच्छा गूगल ट्रेंड करने से पहले ना इसके इस कीवर्ड रिसर्च के ऊपर एक छोटा सा ओवरव्यू है, वो भी एसईओ का ही है, वो पहले समझ लें। एसईओ जो है वो तीन टाइप्स की है, ये लिखते हैं जो मैं बोल रहा हूँ। एक है जी वाइट हैट एसईओ, एक है ब्लैक हैट एसईओ, और थर्ड वन है ग्रे हैट एसईओ। ग्रे हैट, ग्रे के बाद हैट, एच ए टी, ग्रे हैट एसईओ। जो व्हाइट हैट एसईओ होती है ना, ये लॉन्ग टर्म होती है, ठीक है? लॉन्ग टर्म से मुराद ये आप अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ गूगल करते हैं, ठीक है? यानी कि जैसे गूगल गाइडलाइन की गाइडलाइन है जी, आप अपना कंटेंट यूनिक लिखें, आप अपने टाइटल्स को अच्छा बनाएं, आप अपनी वेबसाइट का यूजर फ्रेंडली स्ट्रक्चर क्रिएट करें, मतलब जो भी गाइडलाइंस है वो आगे जो भी हम ये कोर्स सारा ये डिजाइन है ना, ये अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ गूगल है, तो ये हम चलेंगे ही ऐसे। ये वाइट हैट होता है, जो हम कोर्स कर रहे हैं ये वाइट हैट में आता है, ठीक है? ब्लैक हैट होता है बैकलिंकिंग बनाना थ्रू सॉफ्टवेयर और गूगल्स की गाइडलाइन को तोड़ना, ये होता है ब्लैक हैट एसईओ। ये यूजुअली क्यों किया जाता है, ताकि आप जल्दी से जल्दी रैंकिंग ले सकें। आप क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आप, मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ, मैं बैकलिंक क्रिएट करूँ 10 पर डे, अब मैं इसी 10 को 1000 पे ले जाता हूँ, तो ये मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गई है। क्यों? क्योंकि मैं जल्दी से रैंक लेना चाह रहा हूँ, और गूगल यहीं से आपको पकड़ के पैनलाइज कर देगा। उसे पता लगेगा जब वो एक दिन में आपके 1000 लिंक्स को क्रॉल करेगा, उसे पता चल जाएगा ये बंदा जो है, ये वेबसाइट ये बहुत अग्रेसिव जो है काम कर रही है रैंकिंग्स को लेने के लिए, मैं इसको पैनलाइज करने लगा। तो ब्लैक हैट जो होता है वो लॉन्ग टर्म नहीं होता। अगर आप गूगल के पहले पेज पे फॉर एग्जांपल आ भी गए हैं, तो आप विद इन 1-2 मंथ्स दोबारा वापस चले जाएंगे, और मेरा नहीं ख्याल है कि वो पैनलाइज कर दो आप दोबारा वापस आ सकें। ये ब्लैक हैट है। ग्रे हैट होता है कि इसमें 50-50% चांस होता है आप पैनलाइज हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। वो होता ही है कि आपने वाइट हैट भी काम किया होता है और ब्लैक हैट भी किया होता है। तो अगर आपका वाइट हैट जो है वो ज़्यादा काम उसकी नज़र में होगा, तो फिर वो आपको पैनलाइज नहीं करेगा, आपकी बचत हो जाएगी। और अगर ब्लैक हैट ज़्यादा होगा और वाइट हैट कम होगा, फिर भी आप पैनलाइज हो जाएंगे। लेकिन इस जो ग्रे हैट होता है, इसमें बहुत कम चांसेस होता है कि आप पैनलाइज हों। होता ही है कि आप काम अपनी तरफ से नॉर्मल कर रहे होते हैं, लेकिन कई पॉइंट्स पे आके आपको पता ही नहीं चल रहा होता कि आप कहाँ पे अपने वाइट को ब्लैक में कन्वर्ट करी जा रहे हैं, और फिर आप बाद में कहते हैं मैं तो काम ठीक कर रहा था, ये क्या हो गया। तो आगे जाके हम इसको भी डिस्कस करेंगे, आपने थ्रूली वाइट हैट कैसे चलना है, क्योंकि चीज़ों से बचना है आपने। फिर